पिता के निधन से पूरी तरीके से टूट गए हिमेश रेशमिया। अपने पिता को भगवान मानते थे हिमेश रेशमिया। 87 साल की उम्र में हुआ निधन। हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया बढ़ती उम्र की तमाम समस्याओं और बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। 18 सितंबर को उनका निधन हो गया। वो 87 साल के थे। जी हाँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। हिमेश रेशमिया के पिता और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर विपिन रेशमिया का निधन हो गया है। वो पिछले कुछ वक्त से मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट थे। हर किसी को ये उम्मीद थी कि वो ठीक होकर घर लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 18 सितंबर शाम करीब 8:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। हिमेश रेशमिया अपने पिता को गुरु मानते थे, वो उनके बेहद करीब थे और हिमेश रेशमिया इस वक्त पूरी तरीके से टूट चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हिमेश रेशमिया के पिता कई सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत थी और जिसके बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटलाइज किया गया। हालांकि वो कब एडमिट हुए थे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वेल, आपको बता दें विपिन रेशमिया ने सलमान की फिल्म में भी म्यूजिक दिया था। इस दौरान उनकी मुलाकात हिमेश रेशमिया से हुई। इसके बाद सलमान ने हिमेश रेशमिया को उनकी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में म्यूजिक देने का मौका दिया। इस तरह से सलमान और हिमेश रेशमिया का गहरा कनेक्शन बनता गया। इंडियन आइडल 12 के दौरान हिमेश रेशमिया ने अपने पिता के बारे में बहुत सारी बातें की थी और बताया था कि उन्होंने लता मंगेशकर और किशोर कुमार के साथ एक गाना कंपोज किया था जो कभी रिलीज नहीं हुआ। और अब पिता के जाने से पूरी तरीके से हिमेश रेशमिया टूट गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए गृहलक्ष्मी और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।